भारतीय क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी चीज का है तो वो है यो-यो टेस्ट। भारतीय क्रिकेटरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉर्म और प्रतिभा का आकलन तभी हो पाता है जब वो यो-यो टेस्ट में पास हो जाएं। यो-यो टेस्ट का दर्द युवराज सिंह और सुरेश रैना से बेहतर भला कौन समझ सकता है, क्योंकि दोनों ही बड़े खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट में पास होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। टीम से बाहर होने के बाद उनकी वापसी इसी बात पर टिकी थी कि वो यो-यो टेस्ट में पास होते हैं या नहीं। सुरेश रैना ने हाल ही में इस टेस्ट को पास कर लिया था और अब उनका चयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबलों के लिए किया गया है। लेकिन अब यही यो-यो टेस्ट IPL में भी दस्तक देने जा रहा है। जी हाँ, IPL में यो-यो टेस्ट लागू होने वाला है। कप्तान विराट कोहली को क्रिकेट का सबसे फिट खिलाड़ी माना जाता है। खुद कप्तान भी मानते हैं कि जीत के लिए फिट रहना बेहद जरूरी है। टीम इंडिया के साथ साथ कोहली और फिटनेस का एक टेस्ट IPL में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी लागू करना चाहते हैं। द हिंदू अखबार के मुताबिक RCB ने ऑक्शन में खरीदे गए 3 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने को कहा है। खबरों के मुताबिक ये तीनों खिलाड़ी दिल्ली रणजी टीम के हैं। इनमें कभी IPL के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे पवन नेगी, तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुलवंत खिजरोलिया शामिल हैं। RCB पहली टीम है जो यो-यो टेस्ट को लागू करने जा रही है। वैसे अगर सभी टीमों ने इसे जरूरी और लागू कर दिया तो बहुत से बड़े और शानदार नाम IPL गेम से बाहर हो सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।